नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। अगर आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स जून 2020 के बारे में जानेंगे। ये लिस्ट आपको बहुत बड़ा झटका देने वाली है क्योंकि फिर से एक बार इस लिस्ट में बहुत ज़्यादा खलबली मची पड़ी है। मैं अपनी पिछली कई वीडियोज से आपको ये बता रहा हूँ कि साल 2019 वैसे ही इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत बुरा गया है, जिसका असर हमें इस साल के शुरुआती महीनों के सेल्स फिगर्स में देखने को मिल ही रहा था कि अचानक से आए इस कोरोना ने पूरी दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को तबाह कर दिया है। कई कारों का इस लिस्ट में अता पता नहीं है, कई गाड़ियां इस लिस्ट से बाहर हो गई हैं और कुछ गाड़ियां फिर से इस लिस्ट में शामिल हो गई हैं, जो कि एक अचानक से नए ट्रेंड की ओर इशारा करता है। चलिए एक झटका मैं आपको पहले ही दे देता हूं कि इस महीने महिंद्रा XUV 300, टाटा अल्ट्रोज, मारुति की स्विफ्ट, मारुति की अर्टिगा और महिंद्रा बलेरो जैसी गाड़ियां इस लिस्ट से बाहर हो गई हैं। तो चलिए जानते हैं जून के महीने में बिकने वाली टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स के बारे में आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। नंबर 10 इस लिस्ट में पूरे भारत में 10वें पायदान पर आई है टाटा की टियागो। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 4069 यूनिट्स बिकी हैं, वहीं मई के महीने में इस गाड़ी की 857 यूनिट्स बिकी थी। मई के महीने में ये गाड़ी इस लिस्ट में शामिल नहीं थी, इस महीने ये एक फ्रेश एंट्री है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 4,60,000 रुपीज से शुरू होकर 6,60,000 रुपीज तक मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 9वें पायदान पर आई है ह्युंडई की वेन्यू। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 4,129 यूनिट्स बिकी हैं, वहीं मई के महीने में इस गाड़ी की 1,242 यूनिट्स बिकी थी। मई के महीने में ये गाड़ी भी इस लिस्ट में शामिल नहीं थी, इस महीने ये फिर से इस लिस्ट में दोबारा से शामिल हो गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से वेन्यू आपको 6,70,000 रुपये से शुरू होकर 11,50,500 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 8वें पायदान पर आई है मारुति की सेलेरियो। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 4,145 यूनिट्स बिकी हैं, वहीं मई के महीने में इस गाड़ी की 468 यूनिट्स बिकी थी। ये गाड़ी इस लिस्ट में इस महीने एक फ्रेश एंट्री है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 4,46,200 रुपीज़ से शुरू होकर 5,73,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 7वें पायदान पर आई है मारुति की बलेनो। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 4,300 यूनिट्स बिकी हैं, वहीं मई के महीने में ये गाड़ी 1,587 यूनिट बेचकर 7वें पायदान पर ही थी। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,70,602 रुपीज़ से शुरू होकर 9,03,112 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 6ठे पायदान पर आई है मारुति की ब्रेजा। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 4,542 यूनिट्स बिकी हैं, मई के महीने में इस गाड़ी की केवल 572 यूनिट्स बिकी थी। मई के महीने में ये गाड़ी इस लिस्ट में शामिल नहीं थी, इस महीने फिर से दोबारा ये इस लिस्ट में आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ब्रेजा आपको 7,34,000 रुपीज़ से शुरू होकर 11,15,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 5वें पायदान पर आई है मारुति की डिज़ायर। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 5,834 यूनिट्स बिकी हैं, वहीं मई के महीने में ये गाड़ी 2,215 यूनिट बेचकर तीसरे पायदान पर थी, लेकिन इस महीने दो पोजीशन नीचे खिसक कर 5वें पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,89,000 रुपीज़ से शुरू होकर 8,80,500 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 4थे पायदान पर आई है मारुति की वैगन आर। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 6,972 यूनिट्स बिकी हैं, वहीं मई के महीने में इस गाड़ी की मात्र 1,199 यूनिट्स बिकी थी, लेकिन ये गाड़ी इस लिस्ट में शामिल नहीं थी, इस महीने ये गाड़ी फिर से एक बार इस लिस्ट में आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 4,50,500 रुपीज़ से शुरू होकर 5,99,800 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में तीसरे पायदान पर आई है किया की सेल्टॉस।
जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 7,114 यूनिट्स बिकी हैं। वहीं मई के महीने में ये गाड़ी 1,611 यूनिट बेचकर छठे पायदान पर थी, लेकिन इस महीने 3 पोजीशन ऊपर उठकर ये गाड़ी तीसरे पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 9,89,000 रुपये से शुरू होकर 16,29,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों। इस लिस्ट में पूरे भारत में दूसरे पायदान पर आई है ह्युंडई की क्रेटा। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 7,207 यूनिट बिकी हैं। वहीं मई के महीने में ये गाड़ी 3,212 यूनिट बेचकर नंबर वन के पायदान पर थी, लेकिन इस महीने एक पोजीशन नीचे खिसक कर ये गाड़ी दूसरे पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 9,99,000 रुपये से शुरू होकर 17,20,000 रुपये तक की मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट में आने वाली नंबर वन के पायदान पर पूरे भारत में आई है मारुति की ऑल्टो। जून के महीने में पूरे भारत में ऑल्टो की 7,298 यूनिट्स बिकी हैं। वहीं मई के महीने में ये गाड़ी 1,506 यूनिट बेचकर 8वें पायदान पर थी, लेकिन इस महीने सीधे 7 पोजीशन ऊपर उठकर नंबर वन के पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ऑल्टो आपको 2,99,800 रुपये से शुरू होकर 4,41,300 रुपये तक की मिल जाती है। तो कुल मिलाकर ये थी वो 10 गाड़ियां जो जून के महीने में टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में शामिल हुई हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।